हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार क्रेजी फॉर बॉलीवुड में। लेकर आए हैं आपके सामने आज की बड़ी बड़ी बॉलीवुड खबरों का सिलसिला। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज की हेडलाइंस। नंबर वन, सुशांत सिंह राजपूत के केस में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से पूछताछ नहीं करेगी मुंबई पुलिस। जी हाँ, हाल ही में खबरें आ रही थी कि इस मामले में पुलिस जल्द ही सलमान खान से भी पूछताछ कर सकती है। कहा जा रहा था कि पुलिस सलमान को समन भेजकर पूछताछ कर सकती है। हालांकि ताजी खबरों के मुताबिक पुलिस फिलहाल सलमान से पूछताछ नहीं करने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक डीसीपी ने ऐसी किसी भी खबर से इनकार किया है। आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस ने सलमान की एक्स मैनेजर रेशमा शेट्टी से पूछताछ की थी। नंबर टू, अमिताभ बच्चन के बंगले पर देर रात हुई पिज्जा की डिलीवरी। जी हाँ, महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और अमिताभ के अलावा अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और आराध्या भी कोरोना की चपेट में हैं। अमिताभ और अभिषेक जहां मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो वहीं ऐश और आराध्या घर पर ही सेल्फ आइसोलेशन पर हैं। और इन्हीं खबरों के बीच हाल ही में बच्चन हाउस के घर के बाहर पिज्जा डिलीवरी बॉय को स्पॉट किया गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सामने आई इन तस्वीरों में डिलीवरी बॉय पूरी सेफ्टी लिए दिख रहा है। नंबर थ्री, सुशांत सिंह राजपूत को याद कर भावुक हुई बहन, शेयर किया इमोशनल पोस्ट। जी हाँ, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुशांत ने 14 जून को अपने मुंबई स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और सुशांत के निधन के एक महीने पूरे हो गए हैं। ऐसे में कई लोग अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सुशांत को याद करते हुए लगातार कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे हैं। अब वही सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो बेहद इमोशन से भरा है। श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने इंस्टाग्राम पर सुशांत के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, It has been a month since you left us, but your presence is still felt so strongly. Love you, bhai. Hope you always stay eternally happy. Number 4. BMC की सलाह के बावजूद एक्ट्रेस रेखा ने अब तक नहीं करवाया कोरोना टेस्ट, हुई होम क्वारंटीन। जी हां, दिग्गज एक्ट्रेस रेखा खुद के बंगले में ही क्वारंटीन हो गई हैं। उनका एक सुरक्षा गार्ड और घरेलू मदद करने वाले दो लोगों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद बीएमसी ने रेखा को सलाह दी थी कि वो भी अपना कोविड का टेस्ट करा ले। लेकिन रेखा ने बीएमसी को कहा कि अभी तक उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई है। वही बीएमसी का कहना है कि रेखा को टेस्ट करवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट में नहीं है, वो जब भी चाहे अपना टेस्ट खुद से करवा सकती हैं। नंबर 5, दिल बेचारा का नया सॉन्ग तारे गिन हुआ रिलीज। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा का नया सॉन्ग तारे गिन रिलीज हो चुका है। इस गाने ने रिलीज होते ही YouTube पर धमाल मचा दिया है। इस गाने में सुशांत सिंह राजपूत और संजना सांगी की रोमांटिक केमिस्ट्री साफ दिख रही है। नंबर 6, तेलुगु सुपर हिट फिल्म में नजर आएंगे एक्टर राजकुमार राव, बनेंगे पुलिस ऑफिसर। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव जल्द ही तेलुगु सुपरहिट फिल्म हिट के हिंदी रिमेक में नजर आएंगे। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म में राजकुमार पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखेंगे। आपको बता दें कि तेलुगु फिल्म हिट का डायरेक्शन शैलेश कोलानू ने किया था और हिंदी रिमेक को भी वही डायरेक्ट करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म की शूटिंग अगले साल यानी 2021 में शुरू हो जाएगी। नंबर 7, रिलीज हुआ एक्ट्रेस विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी का ट्रेलर। जी हाँ, विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है। Amazon Prime पर रिलीज होने जा रही इस फिल्म में विद्या बालन के रोल को लेकर खासा चर्चा हो रही है। ट्रेलर को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये सिर्फ एक महान मैथमेटिशियन की कहानी नहीं, बल्कि वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, फिल्म उसका निचोड़ है। फिल्म में शकुंतला देवी के पर्सनल लाइफ पर रोशनी डाली गई है और शकुंतला देवी बायोपिक का डायरेक्शन अनु मेनन ने किया है और इसे लिखा भी उन्होंने ही है। ये फिल्म 31 जुलाई को Amazon Prime पर रिलीज हो रही है। नंबर 8, जल्द शुरू हो सकता है सलमान खान का शो बिग बॉस 14। जी हाँ, रिपोर्ट्स है कि बिग बॉस 14 की थीम बेहद स्पेशल होगी और शो में बड़े बदलाव भी होंगे। खबरों के मुताबिक सलमान ही रियलिटी शो का 14वां सीजन होस्ट करेंगे और शो की शूटिंग इस साल सितंबर में ही शुरू की जा सकती है। शो में लॉकडाउन कनेक्शन देखने को मिल सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग भी शो के फॉर्मेट में अहम होगा। वहीं बिग बॉस 14 सीजन की टैगलाइन बिग बॉस 14 लॉकडाउन एडिशन हो सकती है। हालांकि अभी मेकर्स के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है। नंबर 9, अक्षय कुमार जल्द ही फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग के लिए स्कॉटलैंड रवाना होने वाले हैं। ये ट्रैवल काफी महंगा होने जा रहा है। आपको बता दें कि अक्षय भी अब काम पर लौटने को बिल्कुल तैयार हैं और सेट पर लौटने को तैयार अक्षय बहुत जल्द अपनी अगली थ्रिलर ड्रामा फिल्म
बेल बॉटम की शूटिंग शुरू करेंगे। खबर है कि अपनी इस फिल्म की शूटिंग के लिए अक्षय स्कॉटलैंड जाने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये ट्रिप काफी खर्चीला होने वाला है क्योंकि अक्षय प्राइवेट जेट से वहां जाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि फिल्म का स्केड्यूल कुछ इस तरह से रखा गया है कि शुरुआत से लेकर अंत तक की शूटिंग एक बार में ही खत्म कर दी जाए। बताया जा रहा था कि बेल बॉटम की टीम इसी महीने से शूटिंग करने वाली थी, लेकिन इसे लेकर अब अनिश्चित था क्योंकि इंटरनेशनल एयर ट्रेवल शुरू नहीं किया गया था। नंबर 10, अनुपम खेर ने दिया माँ का हेल्थ अपडेट, कहा उन्हें नहीं बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव है। जी हाँ, एक्टर अनुपम खेर के परिवार में भी कुछ लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और एक्टर की मां दुलारी मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में कोरोना से जंग लड़ रही हैं। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो भी शेयर किया है। वो कहते हैं, मेरी मां इस समय कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हैं और कोरोना से लड़ रही हैं। हमने उन्हें नहीं बताया है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। हमने उन्हें कहा है कि ये सिर्फ एक इन्फेक्शन है, लेकिन क्योंकि मां के आसपास वातावरण ऐसा है कि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। यूं ही आप तक पहुंचाते रहेंगे बॉलीवुड की जगत से बड़ी बड़ी खबरों का सिलसिला। देखते रहिए हमारा चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।